दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बनवाल। हमारे देश में एक संस्था है, सेंसर बोर्ड, जिसका काम है हर फिल्म को रिलीज से पहले देखना और उसे फैसला लेना कि फिल्म का कंटेंट रिलीज करने लायक है कि नहीं है, और अगर है तो किस श्रेणी में है, किस कैटेगरी में है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब सेंसर बोर्ड का काम बजरंग दल जैसे संगठनों ने उठा लिया है, क्योंकि अब ऐसे संगठन फिल्म मेकर्स को खुलेआम धमका रहे हैं कि सेंसर बोर्ड चाहे कुछ भी कर ले, हमने कह दिया तो कह दिया, फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, उन्हें पसंद ना करने वालों के विरोध और तेज हो गए हैं। एक हफ्ते पहले मैंने आपको डबल इंजन वाले गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर दिखाई थी, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल के अंदर घुसकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए पीवीआर में पठान के पोस्टर्स के साथ न केवल तोड़फोड़ की, बल्कि फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे वाली धमकी भी दी, क्योंकि उनके हिसाब से दीपिका की इस बिकिनी के रंग ने उनके धर्म का अपमान किया। अब एक बार फिर बजरंग दल ने पठान के खिलाफ नए सिरे से विरोध करना शुरू कर दिया है। एक बार फिर बजरंग दल ने साफ कर दिया है कि वो गुजरात में फिल्म रिलीज किसी हाल नहीं होने देंगे, चाहे सेंसर बोर्ड कुछ भी कह ले। आपको याद होगा, बेशरम रंग गाने के बाद जब थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी हुई, विवाद हुआ, तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म मेकर्स को बेशरम रंग गाने में दीपिका के कुछ क्लोज शॉट हटाने की सलाह दी थी, जो कि फिल्म मेकर ने मान ली थी। अब जो फिल्म, अब पठान जो रिलीज होने वाली है ना, वो कुछ बदलावों के साथ रिलीज होगी, जो कि सेंसर बोर्ड के द्वारा माने गए बदलाव है। इसके बाद पठान का ट्रेलर भी आ गया था, जिसमें साफ हो गया था कि फिल्म में शाहरुख खान की फिल्म में राष्ट्रवाद का तड़का साफ तौर पर दिखाई दिया है। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो। फिल्म एक सिंपल बॉलीवुड मसाला एक्शन थ्रिलर टाइप की लग रही है। बाकायदा फिल्म के ट्रेलर खत्म होने के बाद जो जय हिंद वाला डायलॉग शाहरुख खान का आता है, उसको लेकर कहा गया कि इस डायलॉग के बाद साफ हो गया कि फिल्म का विरोध नहीं होगा। लेकिन कर्नाटक के बाद गुजरात में भी बजरंग दल ने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो किसी भी हाल में फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। ये है न्यू इंडिया, जिसमें सेंसर बोर्ड के होने या ना होने से ऐसे लोगों को बाल बराबर का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जितना विरोध फिल्म का हो रहा है, शाहरुख के फैंस ने उनकी इस फिल्म को हिट कराने का बीड़ा भी उतनी तगड़े तरीके से उठा लिया है। कैसे? ट्विटर पर यह है शाहरुख खान के फैंस का वेरीफाइड अकाउंट, जिसके जरिए बताया गया है कि देश के 200 शहरों में इस फैन क्लब से जुड़े शाहरुख खान के फैंस ने ठान लिया है कि वो पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर ही हर हाल फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना देंगे। तो इस तरह से फिल्म के जरिए शाहरुख खान के फैंस और उनके विरोधी आमने सामने हैं। इसके साथ साथ शाहरुख खान ने भी फिल्म का प्रमोशन शुरू कर दिया है, देश के साथ साथ विदेश में भी। दुबई में देखिए किस तरह से शाहरुख खान फिल्म का प्रमोशन करते दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर कुछ इस तरह से दिखाया गया, जहां पर खुद शाहरुख खान मौजूद थे। तो कुछ इस तरह से शाहरुख खान के फैंस, खुद शाहरुख खान फिल्म को हिट कराने में लगे हुए हैं, वहीं विरोध के स्वर भी तेज होते जा रहे हैं। देखते हैं 25 जनवरी को क्या होता है, जब फिल्म रिलीज होगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।